देश भर में घट रही बड़ी घटनाओं के बारे में आइए जानते हैं जनता क्या लिख रही है, किस तरह से देख रही है। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है, किसी का ध्यान गया, पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा किए गए, वो भी एनजीओ बनाकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी पीएम केयर फंड के पैसों का जिक्र नहीं किया। एक बार आप प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश देखिए। पहला, स्वास्थ्यकर्मियों का सम्मान करिए। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पिए। तीसरा, लक्ष्मण रेखा पार ना करें। चौथा, ऐप डाउनलोड करें। पांचवा, गरीबों की सहायता करें। छठा, बुजुर्गों का सम्मान करें। सातवा, अपने यहाँ काम करने वालों के साथ संवेदना रखें। मतलब प्रधानमंत्री के भाषण में टोटली डिसअपॉइंटमेंट के कुछ नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री के भाषण से गायब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए जो एक बार प्रधानमंत्री से उपेक्षित की जाती है। पहला, राज्यों को दिया जाने वाला फंड। दूसरा, जीएसटी में राज्यों का शेयर। तीसरा, देश के लिए इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज। चौथा, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्लान। पांचवा, घरों में बैठे मजदूरों के लिए आर्थिक प्लान। छठा, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्लान। सातवा, पीपीआई मास्क वेंटिलेटर्स की उपलब्धता के लिए सरकार का प्लान। आठवा, आने वाले कृषि संकट के लिए कोई प्लान। आज हालात ये है कि मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे बड़े शहर इटली, न्यूयॉर्क की तरह कोरोना की चपेट में तेज़ी से आ रहे हैं। आज भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार हो चुकी है। राज्य पिछले एक हफ्ते से लगातार फंड की मांग कर रहे हैं। चूँकि राज्यों से प्राप्त करों और एक बड़ा हिस्सा केंद्र के कोष में जाता है, इसलिए मुसीबत के इस समय में केंद्र ही उनकी मदद का एकमात्र सोर्स है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या आलाप रहे हैं, इसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, इससे संवेदना रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें दादी नानी से देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। आप अपना बताइए, आपकी सरकार क्या कर रही है। यू माइक पर आकर भगवताचार्य जैसी बातें बनाने से बात आइए और कोई ढंग की बात करिए जो एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री से उपेक्षित होती है। ये समय आपके ज्ञान को सुनने का नहीं बल्कि एक्शन करने का है। देश में कोरोना के 11,000 मामले क्रॉस हो चुके हैं और आप अब भी बातों की जलेबी बनाने में लगे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आगे वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इंदौर में आज दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना उस दुकानदार से जुड़ी है जिसने मुसलमानों को सब्जी बेचने के साथ साथ साफ इनकार कर दिया। जब मुसलमान उस दुकानदार की मरी हुई मानवता को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने साफ कह दिया कि हमें ऊपर से आदेश है कि मुसलमानों को सामान बेचना ना जाए और ना ही उनके सामान खरीदे जाएं। इसके बावजूद इन मुसलमानों ने कहा कि इस मोहल्ले में हमने बिना किसी भेदभाव के ज़रूरतमंदों को राशन बांटा है, खाने पीने का सामान बांटा है, बिना ये पता किए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और एक तुम हो जो मुसलमानों को सामान बेचने से इनकार कर रहे हो। इस पर उस दुकानदार ने फिर वही जुमला दोहराया कि ऊपर से आदेश है। इंदौर के जिस मोहल्ले की ये घटना है वहाँ पर वो इकलौती दुकान है। इसके बावजूद ऐसा सांप्रदायिक जहर ये बता रहा है कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा कोरोना से पहले ही दिमागी संक्रमित हो चुका है, सड़ चुका है। मुसलमानों को दुकानदार द्वारा सब्जी अथवा दूसरा सामान ना बेचकर यकीनन मुसलमान तो नहीं मरेंगे, लेकिन इस बात पर ज़रूर मुहर लग चुकी है कि ऊपरी आदेश का पालन करने वाला वो दुकानदार अंदर से मर चुका है। ऐसा नहीं है कि समाज में पहले नफरत नहीं था, नफरत तो थी लेकिन इस हद तक नहीं थी। जब महामारी फैली तो तब एक वर्ग विशेष का दुकानदार एक समुदाय विशेष से नफरत की इस इंतहा तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में जो हालत है ये तो बदल जाएंगे, लॉकडाउन भी खुल जाएगा, लेकिन उस दुकानदार को सोचना होगा कि जिन मुसलमानों को उसने संकट के समय सामान बेचने से इनकार किया है उनसे नज़रें कैसे मिलाएगा। दूसरी घटना भी इंदौर की है, ये महज इत्तफाक है, ये घटना भी आज ही का है। इंदौर में आज इंसान की जान समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण चली गई। इंदौर के पांडुराव चांदने के उनके बड़े भाई और पत्नी एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से एक्टिवा पर बिठा कर 2-3 अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे लेकिन कहीं उनका इलाज नहीं हुआ और एम्बुआई अस्पताल पहुँचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
पहले ये परिजन एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो स्कूटी से ही उन्हें लेकर क्लॉथ मार्केट अस्पताल से एमवाई पहुंचे, लेकिन तब तक सांसें छोड़ चुकी थी। सोचिए, ये देश मुसलमानों से नफरत करने की कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। ये घटना उसी का जीता जागता प्रमाण है। इन दोनों घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लेकिन एक समुदाय से कुंठा के कारण लोगों के सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। दिमागी संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का फर्ज है, नौकरी देना, सस्ती शिक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन अफसोस, ना नौकरी चाहिए, ना रोज़गार चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना अस्पताल चाहिए। समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, ये समस्या नहीं है। हाँ, कोई मुस्लिम मजदूर सब्जी वाला, फल वाला उनके इलाके में ना आए, इसकी सरदर्दी है। कुल मिलाकर भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा नफरत में इस कदर अंधा हुआ है कि वो भूल गया है कि सरकार के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसके लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी है। ये देश, इस देश को लोकतंत्र, इस देश का सेकुलरिज्म, इस देश का सामाजिक ताना बाना इस नफरत की कीमत अदा कर रहा है, जिसकी बदौलत दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। और ऐसी ही खबरें सामने आ रही है जो मानवता का मुंह चिढ़ा रही है। आगे निसार सिद्दीकी ने भी लिखा है, बांद्रा में जुटी भीड़ को लेकर कुछ मीडिया वाले मस्जिद को बार बार टारगेट कर रहे हैं। वो अपना मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे मस्जिद की सहायता से लोगों को वापस भेजा गया और बांद्रा में क्या हुआ। मंगलवार को दोपहर 2 बजे के आसपास बांद्रा रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित बस स्टैंड के पास लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोगों को ये लग रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, इसलिए ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ लोगों को ऐसी जानकारी मिली थी कि जनसाधारण एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने की खबर जैसे ही बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को मिली, वो घटनास्थल तक पहुँच गए। पुलिस अधिकारी अपनी ओर से मजदूरों को समझाने की कोशिश करने लगे। एक घंटा गुजरते गुजरते 3 बजे के आसपास घटनास्थल पर भीड़ काफ़ी बढ़ गई। बांद्रा में जहां लोगों की भीड़ थी, वहीं पास में एक मस्जिद है। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस मस्जिद के अंदर गई। मस्जिद की माइक और हॉर्न के जरिए अनाउंस कर पुलिस ने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। पुलिस वाले बार बार कहते रहे कि लोग वापस घर चले। जब मजदूर नहीं माने तो स्थानीय नेताओं को बुलाया गया। एक नेता ने अपने भाषण में ये लाइन कही, कोरोना वायरस से मक्का मदीना बंद है, दुनिया की सभी मस्जिदें बंद है, भारत में लॉकडाउन किया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए आप लोग भी अपने घर वापस चले जाएं। पुलिस और स्थानीय नेताओं के बार बार समझाने के बाद मजदूरों ने कहा कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, जिसके बाद एक टेम्पो में खाना मंगाकर सभी मजदूरों को खाना खिलाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि सभी को खाना मुहैया कराया जाएगा, लेकिन तभी मजदूरों का एक गुट घर जाने की जिद करते हुए हंगामा करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हल्का लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ दिया। मुझे हैरानी है कि भारतीय दंगाई मीडिया में मस्जिद शब्द पर जोर जोर देकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शुक्रिया महाराष्ट्र पुलिस का, वहां की सरकार का, जिसने इन दंगाई पत्रकारों की हर मंशा पर पानी फेर दिया। आगे मुकेश असीम ने भी लिखा है, कुछ दिन पहले मैंने आश्चर्य प्रकट किया था कि सारे चैनलों पर संक्रमक या सांसें रोगे विषाणु पर शोध करने वाले या पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों के बजाय ये नरेश त्रेहान, देवी शेट्टी, संगीता रेड्डी जैसे डॉक्टर क्यों कोविड विशेषज्ञ बना बुलाए जा रहे हैं, जबकि ये ना तो इस बीमारी के जानकार है और ना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में इनका कोई योगदान है, क्योंकि ये सब महंगे निजी अस्पताल चलाते हैं। अब बात सामने आ गई है कि ऐसे सब विशेषज्ञ ही बायोकॉन की मालिक किरण मजूमदार शो की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में थे, जिसकी सलाह पर सरकार ने निजी लैब को कोविड के टेस्ट के लिए 4500 रुपये शुल्क लेने की स्वीकृति दी, जबकि विषाणु क्षेत्र में शोध करने वाले वैज्ञानिक जो अपनी प्रयोगशालाओं में RT-PCR तकनीकी का खूब प्रयोग करते हुए उनके अनुसार इस पर 500 से 600 रुपये खर्च आता है, वो भी आज की स्थिति में बड़े पैमानों पर उत्पादन से और कम होना चाहिए था। एक वास्तविक जनतांत्रिक समाज में ये चारों जेल में होते, ना कि आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, कफिल खान, सुधा भारद्वाज वगैरह वगैरह। जुगमा मुर्तुजा ने भी लिखा है, पहले जो भीड़ मस्जिद की थी वो मजदूर हुई
और फिर वो मुल्लों को समझाने पर लौटी। कुल मिलाकर सारे मजदूर मुल्ले थे। बहरहाल रजत शर्मा जी महान है, उनके मित्र अरुण जेटली भी महान थे। अगर वो महान आत्मा है, ये भी सफल जीवन के अंतिम दशक में गोते लगा रहे हैं और किसी दिन महान आत्मा बन जाएंगे, लेकिन बताइए देश, दुनिया और समाज को ये क्या देकर जाएंगे? अंधविश्वास, सांप सपेड़े, स्वर्ग की सीढ़ी और धार्मिक नफरतें, ये किसी रोज़ चले जाएंगे, मगर जहर ज़मीन पर रह जाएगा बचे लोगों को डराने के लिए। मोहम्मद अनस ने लिखा है, मुंबई पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में एबीपी मांझा के पत्रकार राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कल एबीपी पर उनकी रिपोर्ट छपी थी कि बांदा स्टेशन से आज ट्रेन चलेगी। इसके बाद हजारों लोग स्टेशन के पास जमा हो गए। राहुल कुलकर्णी का कहना है कि उनकी रिपोर्ट का आधार दक्षिण मध्यम रेलवे की तरफ से जारी एक पत्र है जिसमें ट्रेन चलाने का जिक्र किया गया है। बहरहाल अगर लेटर सच्चा है तो मुकदमा रेलवे के अधिकारियों और रेल मंत्री पर होना चाहिए। एक मामूली रिपोर्टर की गिरफ्तारी से फेक न्यूज़ नहीं रोकी जा सकती। सही मायने में गिरफ्तार रजत शर्मा और रुविका जैसे लोगों की होनी चाहिए जो न सिर्फ अफवाह बल्कि धार्मिक नफरत भी फैला रहे हैं। सौरभ यादव ने लिखा है, देश की राजधानी में सैकड़ों प्रवासी मजदूर यमुना किनारे एक ब्रिज के नीचे रहने को मजबूर हैं। दिन में उन्हें एक बार खाना नसीब हो रहा है, वो भी किसी गुरुद्वारे या कोई दान दे जाए, तब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिल्ली में, और लाखों लोगों के हर दिन खाना खिलाने का दिल्ली सरकार का दावा कहाँ गया। आगे फिर से सौरभ यादव ने लिखा है, अब ऐसा ही होगा जब आपकी आवाज़ उठाएंगे ये सरकारी मीडिया और आपके नेता ही आपके संदिग्ध बना देंगे। इन सभी को मस्जिद दिख जाएगी लेकिन बराबर में स्टेशन नहीं देखेगा। ये आपके हाथ में बैग नहीं देखकर सवाल उठाएंगे लेकिन इन्हें आपका खाली पेट नहीं देखेगा। इन्हें ट्रेन चलाने की खबरें भी नहीं दिखेगी, इन्हें रेलवे का अपना प्रपोजल भी नहीं दिखेगा। आगे फिर से सौरभ यादव ने लिखा है, कल जब ये खबर देखा तो हिला कर रख दिया। बार बार इस महिला का चेहरा नज़र आ रहा था और उस बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, और मैं बार बार यही सोच रहा था कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं 2 घंटे तक नहीं रह पाता, जबकि मुझे पता है कि खाना मिलना ही है, और कुछ लोग बिना उम्मीद के 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं। लेकिन अब राहत है क्योंकि नेगेटिव खबरें दिखाने के लिए मशहूर NDTV के एक नेगेटिव रिपोर्टर सौरभ शुक्ला इस खबर का असर हुआ है, और महक जिसने 8 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और जो भूख से तड़प रही थी, और अब जब ये खबर दिल्ली सरकार तक पहुंची तो सरकार भी कुछ हरकत में आई और आप विधायक दिलीप पांडे ने महक और गोपाल को ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया है। अब आप सोचते रहिए कि इस तरह की खबरें दिखाने, लिखने और बोलने वाले नेगेटिव हैं या इन्हें छुपाने वाले पॉजिटिव हैं, और ये ज़रूर सोचिए कि अगर आपके साथ भी यही परेशानी हो तो आपकी भूख को नेगेटिव खबर बताकर छुपाया जाए या सरकार समर्थकों की गालियां खाते हुए दुनिया को बताया जाए। खैर, एक मुट्ठी चावल की कीमत तुम क्या जानो सकारात्मक बाबू। आगे सहनवाज मलिक ने लिखा है, बांद्रा में इकट्ठा हुए हजारों मजदूरों को अपनी फर्जी खबर से उकसाने वाले एबीपी मांझा के रिपोर्टर अतुल कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी ही फर्जी खबरों के आधार बनाकर एबीपी हिंदू मुस्लिम विरोध नफरत फैला रहा था। मुंबई पुलिस, इस ग्रुप के संपादक को हवालात में डालो। आगे निसार सिद्दीकी ने लिखा है, फिर से नमस्कार, मैं रूबिका लियाकत और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। फेक न्यूज़ पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ABP न्यूज़ मांझा का पत्रकार राहुल कुलकर्णी गिरफ्तार। गलत खबर चलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, ऐसी ब्रेकिंग दिख जाए तो बता दीजिएगा। आगे कृष्णकांत ने लिखा है, सूरत में प्रवासी मजदूरों ने पेट भर खाना ना मिलने की शिकायत की, हंगामा किया कि वो अपने गांव जाना चाहते हैं। 8 नाबालिग समेत 90 लोग गिरफ्तार हुए। सूरत में करीब 1300 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। ये सही है कि हर राज्य में सरकार तमाम लोगों को खाना खिला रही है, चुनौती बड़ी है, फिर भी तमाम लोग खाना ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि कोरोना का भय भूख नहीं मिटा सकता। कोरोना का डर भूख की पीड़ा और भय से बड़ा नहीं है। सरकार से अपील है कि वो पेट के लिए किसी को अपराधी ना बनाए। भूखे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी जान संकट में डाल रहे हैं। खाना ना मिलने पर उनकी जान संकट में है, उनके आगे कुआं है, पीछे खाई। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो 2-4 दिन भूखे रहकर देखें कि भूख की छटपटाहट कैसी होती है। लाठी भांज कर क्रूरता प्रदर्शन के और बहुत से मौके आएंगे, फिलहाल ऐसी कार्रवाई को रोक देनी चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए करुणा जी के भाषण से बाहर ले आना चाहिए।
आगे कृष्णकांत ने फिर से लिखा है, जावेद को सब्जी बेचने के लिए मना किया गया तो अपना नाम संजय रख लिया, लेकिन जिन्ना के हिंदू चैनलों के आधार कार्ड चेक किया और पहचान लिया कि वो संजय नहीं है, जावेद है। अब जावेद सब्जी नहीं बेचेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, लखनऊ से कमाल खान ने रिपोर्ट किया है। बुलंदशहर में ठेला पर भगवा झंडा लगा दिया गया है ताकि हिंदू भगवा झंडे वाले ठेले से ही सब्जी फल खरीदे, ऐसा होने दिया जा रहा है। एक सब्जी वाला कह रहा है कि किसी हिंदू परिषद वाले ना लगाया है। कोरोना वायरस की ये हिंदू मुसलमान थ्योरी जानबूझकर दुनिया सन्न रह जाएगी। वैज्ञानिक हमारी महानता पर हैरान होंगे कि महान महावारी को भी हिंदू मुसलमान में बदल दिया गया। इस भारत का गौरव बढ़ेगा। कोरोना वायरस ने यह हलफनामा कब दिया कि मैं हिंदू ठेले से नहीं फैलूंगा और मुसलमान ठेले से फैलूंगा? अब आम लोगों को आधार चेक करने के अधिकार किसने दिया? एक गरीब आदमी को गली में ना निकलने देने का कानून कब पास हुआ? कुछ मौलानाओं की गलती की सजा देश भर के गरीबों को क्यों मिल रही है? भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला कि देश में हमने कब सोचा था कि एक दिन जब देश में महामारी फैलेगी, हमारी सब्जियां हिंदू मुसलमान हो जाएगी? मेरी जानकारी में केंद्र या राज्य की किसी सरकार ने इस नफरत के वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई कोशिश नहीं की है। ये बेहद अमानवीय है और क्रूरता है। क्या हमारा समाज ऐसा होना चाहता था कि वो धर्म के आधार पर किसी को रोजी रोटी के पेट पर लात मारे? महामारी के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया ने मिलकर देश को नफरत का ये नायाब तोहफा दिया है। सरकारों से अपील है कि वो ऐसी नफरत ना होने दे। ये सब समाज को बदलने की कोशिश है।